हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका सेक्शन टू ऑफ योर गेट सिलेबस, दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेक्शन वन जो आपका था लीनियर अलजेब्रा, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन कुछ सेक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चन हर साल आपके रहते ही हैं, जिसमें ये टू सेक्शन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें, तो कंप्लीट जो आपका गेट का सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे मैं थ्री पार्ट में डिवाइड की हूँ। फर्स्ट आपका ऑर्डर एंड डिग्री, सेकेंड वन इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज योर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ईजी है, आपको थोड़े से कंसेप्ट याद रखने हैं और आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये ज़्यादा वास्ट सिलेबस भी इसका नहीं है, तो इजिली इसको हम कवर कर लेंगे। आपको सिर्फ क्लासेस को फॉलो करना है, होमवर्क करने हैं, और आपको प्रैक्टिस करने हैं जो भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होंगे और जो भी आपके असाइनमेंट में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन वर्सेस योर नॉर्मल इक्वेशन, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? देखो, नॉर्मल इक्वेशन जो मैं लीनियर अलजेब्रा में सॉल्व की थी, जैसे आपका इक्वेशन का टाइप था, लीनियर इक्वेशन का टाइप था आपका एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज इक्व टू वन, एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इक्व टू टू, तो ये आपका एक इक्वेशन था। तो इसमें हम क्या करते थे, x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ये आपका अननोन होता था। और यहाँ पे हमें क्या मिलता था, x1 x2 की वैल्यू आपकी या तो रियल नंबर होती थी, इस केस में रियल है, या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता था। तो इसका मतलब है कि हमें जो वैल्यू मिलती थी वो एक क्या होता था, एक नंबर होता था, क्लियर। बट अगर इसी इक्वेशन में अगर आपका डिफ्रेंशिएशन इंक्लूड हो जाए और आपका जो सोल्यूशन हो वो एक नंबर ना हो के एक फंक्शन हो, तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्लियर। तो आपका क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर अ गिवन फंक्शन, कोई एक गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन आपका क्या है जी ऑफ एक्स, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपका कोई इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से है जहां पे आपका गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, वेयर जी वेयर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, वेयर वाई इक्वल टू एफ एक्स। अगर इक्वेशन कोई इस तरह के फॉर्म में है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, जहां पे आपका y जो है डेट इज इक्वल टू एनी फंक्शन f ऑफ x है, क्लियर। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड योर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीज इसमें है, इस इक्वेशन में क्या क्या चीज आपका इन्वॉल्व है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स वेरिएबल एज वेल एज, वेरिएबल कौन कौन सा है, x एंड y आपका वेरिएबल है, एफ एक्स और जी एक्स आपका फंक्शन है, और डिफरेंशिएशन आपका क्या है डी बाई डी एक्स का एक डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स वेरिएबल, वेरिएबल है एक्स एंड वाई, एज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। आप यहाँ पे देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम क्या कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं, वी आर डूइंग डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका वाई जो है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है आपका वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो y की जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन ऑफ आपका x होगा, मतलब y जो है वो डिपेंडेंट ऑफ x है। सो x इज कॉल्ड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट y इज डिपेंडेंट ऑन x, सो y इज कॉल्ड योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स वेरिएबल एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ d by dx of independent variable, sorry, dependent variable y with respect to independent variable x, independent variable x। तो यहाँ पे सारे concept आपके clear हुए कि differential equation में आपका क्या होना चाहिए, एक तो derivative होना चाहिए, फिर derivative of what, dependent variable with respect to independent variable। तो ऐसे equation को हम क्या बोलेंगे, differential equation। एक example है आपका x dy dx plus y equal to zero, तो ये आपका एक differential equation है जहां पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल y आपका डिफ्रेंशिएट हो रहा, और इसमें आपका x एंड y दोनों आपके क्या है वेरिएबल इंक्लूड है। सो दिस इज कॉल्ड योर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन इनडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा
डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव लेते हो वो विथ रिस्पेक्ट टू होता है आपका ओनली वन इनडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि ये एग्जांपल आपको गिवन है, टू वाई स्क्वायर टू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन इनडिपेंडेंट वेरिएबल योर एक्स, क्लियर, डी एक्स ले रहे हो ना, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन मोर देन वन इनडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं? एग्जैक्टली ये पॉसिबल है, और ऐसे ही इक्वेशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये एग्जांपल आपको गिवन है, तो इस एग्जांपल में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर डो जेड डिवाइडेड बाई डो ऑफ एक्स, दिस इज डो ऑफ एक्स नॉट डी ऑफ एक्स, प्लस योर वाई डो जेड डिवाइडेड बाई डो ऑफ वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू थ्री ऑफ जेड। तो यहाँ पे देखो आपका जो वैल्यू है आपका डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका जेड, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल योर, वन इज एक्स एंड वन इज वाई, क्लियर। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और वाई के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको, जेड को, जो आपका क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स और वाई क्या है आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे केस में जो इक्वेशन होता है उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और इसको डो बाई डो एक्स लिखते हैं। यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख रहे थे, इसको हम कैसे लिखते हैं, डो बाई डो एक्स आपका नोटेशन होता है पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, आपको गिवन है डो स्क्वायर वाई बाई डो टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डो स्क्वायर वाई बाई डो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है आपका वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, टी और एक्स जो है आपका, देखो ये इक्वेशन आपको क्या गिवन है, दैट इज डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू योर ए स्क्वायर डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई योर डो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका t और x दोनों ही आपका क्या है इनडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है आपका वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होता है, क्लियर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर of the highest order derivative of the dependent variable with respect to the independent variable involved in the given differential equation. मतलब highest order of the highest order derivative, क्या order है आपका highest order derivative का, जो आपका equation given है उस equation में जो आपका highest order derivative है उसका जो भी order होगा वही आपका order of differential equation होगा। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मैं पहला example देखती हूँ, ये आपको given है और इससे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका order क्या है। तो यहाँ पे highest order derivative कौन सा है, dy by dx, ये आपका highest order derivative है। तो यहाँ पे आपका इसका order क्या होगा, आपका order is first, यहाँ पे one है, clear है, this is your one। अब यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है आपका टू, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन को देखो, डी आपको गिवन है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस योर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यू, क्लियर। तो यहाँ पे आपके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर है वो आपका क्या है थर्ड ऑर्डर आपका क्या है, ये आपका ऑर्डर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है, दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इट इज द हाइएस्ट पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द हाइएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, वो आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन था, क्लियर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेते हैं या ये वाला ले लो, ओके पहले इसको लेते हैं, ये इक्वेशन आपको गिवन है, तो ऑर्डर आपका क्या होता है, जो आपका ऑर्डर हो गया हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव,
ये उसका ऑर्डर हो गया। और अगर डिग्री की बात करें तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जो भी आपका पावर होगा वो उसका डिग्री होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3। तो इसका जो आपका पावर कितना है आपका 1, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर? मतलब इक्वेशन में हमें क्या करना है, देखना है आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो भी पावर होगा वही आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यही चीज ये बोल रहा, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट? नोट पॉइंट इसमें क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा क्या होगा ये पॉजिटिव होगा। सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आपको पता ही, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3, 2/5 इज अ फ्रैक्शन। रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हुआ आपका, 3 हुआ, दिस इज योर रेडिकल्स। तो इस सारे चीजों से आपकी इक्वेशन क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, जब भी हम उसके ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड योर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो, आपको गिवेन है एग्जाम्पल 1, आपको ये इक्वेशन गिवेन है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ऑर्डर एंड डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल 1 है, आपको इक्वेशन गिवन है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, तो ये आपका इस फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy by dx के फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको अगर आपने dy by dx के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy by dx, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर इज योर फर्स्ट। क्लियर? और डिग्री भी आपका क्या होगा 1, क्योंकि इसका पावर कितना है आपका 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन हो गया। सेकंड देखो आपका, सेकंड है d square x डिवाइडेड बाय dt square plus a square x equal to 0। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो गया, अगर ऑर्डर की हम बात करें तो ये 2 है, और डिग्री इसकी कितनी होगी, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? क्योंकि इसका पावर आपका ऑर्डर का पावर 1 है। अब यहाँ पे थर्ड का देखो, यहाँ पे आपको एक गिवन है ये इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को dy by dx या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह के फॉर्म में लाना है। तो आपको इक्वेशन गिवन था y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस योर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो अगर यहाँ पे हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड से, तो यहाँ से ये चीज डी वाई बाई डी एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, डैट इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू वाई dy by dx, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x, एंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा dy by dx से एक बार और, तो दिस वैल्यू इक्वल टू d स्क्वायर y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कौन सा ऑर्डर, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, देखो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, दिस इज योर हाईएस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2, और डिग्री कितना होगा, इसका पावर कितना है ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर का, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका डिग्री जो होगा आपका वो 1 होगा, और ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। अब यहाँ पे देखो, दैट इज फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में आपका क्या है, फोर्थ नंबर में आपको गिवन है 1 प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपके नोट पॉइंट पे मैं क्या लिखवाई थी कि ये द इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। तो 1/3 यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 1/3 करना पड़ेगा, 3 टाइम्स क्यूबिक करना होगा, तो ये 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर ऑफ योर माइनस फाइव निगेटिव है इज इक्वल टू योर, ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स योर दिस वैल्यू, a टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ योर 3। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर हुआ, और उस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है, 3। तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर जो आपका आएगा वो तो आ जाएगा 2, लेकिन डिग्री जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द
डिफरेंशियल इक्वेशन इजी है, आपको सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना है और इक्वेशन को फ्री करना है रेडिकल से, फ्रैक्शन से. और जब उस इक्वेशन को फ्री कर दोगे रेडिकल एंड फ्रैक्शन से, तो देखोगे सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है. अब हाईएस्ट ऑर्डर देखने के बाद आपको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर पर कितना आपका पावर है. तो जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो ऑर्डर इटसेल्फ होगा, और जो उसका हाईएस्ट पावर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का. क्लियर? तो नेक्स्ट देखो आपका नोट पॉइंट क्या है. A differential equation must be a polynomial equation in the derivative. मतलब आपका polynomial क्या होता है, आपका power of, जैसे हम polynomial लिखते हैं of order 3, तो हम कैसे लिखेंगे, a x 3 plus b x square plus c x plus d equal to 0. तो ये polynomial होता है. तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, the differential equation must be a polynomial equation in the derivative. पर यहाँ पे जो आपका differential equation होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, polynomial होना चाहिए इन डेरिवेटिव्स. मतलब इसका क्या है, यहाँ पे फॉर्म होगा अगर ऐसे कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी योर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो. तो इस तरह का फॉर्म आपका होना चाहिए तो आपका फॉर फाइंडिंग द डिग्री. तो उस केस में ही उस इक्वेशन का हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं. और मान लो इक्वेशन आपका इस फॉर्म में नहीं है तो उस केस में उसका डिग्री जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा. क्लियर है? जैसे ये एग्जांपल आपको गिवन है, इस एग्जांपल में आपको क्या गिवन है कि डी टू दी पावर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस योर वाई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. तो यहाँ पे ये तो जो है वो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो ऑर्डर जो होगा इस इक्वेशन का, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसकी ऑर्डर तो 3 हो जाएगी, बट डिग्री जो होगा इस केस में वो डिफाइन नहीं होगा. नॉट डिफाइन, डिग्री इज नॉट डिफाइन. क्लियर? ऑर्डर आपका 3 है तो 3, बट डिग्री इज नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है. सेम सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये आपका पहला एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, तो अगेन इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो आपका 1 हो जाएगा, बट डिग्री इसका अगेन डिफाइन नहीं होगा. क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए आपका इन इक्वेशन, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए. क्लियर? एक गेट का क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन इक्वेशन. बहुत ही ईजी है. तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है. तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है आपका, यहाँ पे देखो 2 है. अब ये चीज जो दिख रहा है आपको डी वाई बाई डी टी का क्यू, दैट इज नॉट इक्वल टू योर डी क्यू वाई बाई डी टी क्यू. तो यहाँ पे जो हाइएस्ट ऑर्डर है वो क्या है आपका, 2 है. क्लियर? 2 है आपका, तो इसका आंसर कितना होगा, 2. तो क्या इसकी डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिग्री, तो ये आपका होमवर्क है, इसका डिग्री फाइंड आउट करना. क्लियर? ऑर्डर आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, गेट के क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना था. तो बहुत ही ईजी है, ऑर्डर क्या है, हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज योर 2, तो इसका आंसर 2 होगा. और यहाँ पे एक पावर क्यू दिख रहा है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू डी क्यू वाई बाई डी टी क्यू, तो इसलिए इसका डिग्री जो होगा, ऑर्डर जो होगा वो 3 नहीं होगा. ओके, तो देखते हैं आप. अब हमें पता चल चुका है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होता है. तो अब हम देखेंगे कि हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ सोल्यूशन भी देखेंगे. तो देखो, जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपका 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स से इसके सोल्यूशन निकलते हैं. पहला टाइप आपका जनरल सोल्यूशन होता है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो होता है आपका पार्टिकुलर होता है. और किसको हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, किसे हम पार्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं, और किस केस में जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है, किस केस में पार्टिकुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे. तो देखो यहाँ पर, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन नॉट अ नंबर दैट सेटिस्फाइड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ये पहले लेक्चर के स्लाइड 1 में भी डिस्कस की कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है. मतलब मैं क्या लिख रही थी, y इक्वल्स टू आप लिखते हो एनी फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पे ये क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है, नॉट अ नंबर जो सेटिस्फाई करता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जीरो, तो यहाँ पे आपका जो y होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ आपका x, दैट इज कॉल्ड f ऑफ x. लेकिन अगर सिंपल हम इक्वेशन की बात करें, अगर आपका सिंपल इक्वेशन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस सेक्शन इज फॉर योर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सेक्शन आपका है सिंपल इक्वेशन के लिए.
तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो या साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा सोल्यूशन में, वो इसका एक नंबर होगा जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वाई की, दैट इज फंक्शन ऑफ फाइव एक्स या एफ ऑफ एक्स होगी, दैट इज योर फंक्शन। तो यहाँ पे आपका वाई जो होगा एक फंक्शन होगा, और उस फंक्शन को हम किस तरह लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, मान लो वाई का फंक्शन कुछ इस फॉर्म में आया, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्म में हो, एज्यूम करते हैं फंक्शन है, तो आपका मान लो ये फॉर्म में आपका फंक्शन आया y इक्वल टू साइन बी प्लस एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे a और b जो है वो बिलोंग करेगा आपका किसका, रियल नंबर का, यही लिखी हूँ, a एंड b बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो ये आपका फॉर्म होगा सोल्यूशन ऑफ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपका a एंड b अगर को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर, और इस केस में अगर आपका a और b की वैल्यू हमने क्या किया डिफाइन कर लिया, मान लो आपने इक्वेशन में क्या लिखा कि y इक्वल्स टू a साइन b प्लस x हमने लिखा, तो y इज इक्वल्स टू a साइन b प्लस x लिखा हमने, इसका सोल्यूशन जो आपका f ऑफ x था, इसको हम phi ऑफ x भी बोल सकते हैं या फंक्शन ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने क्या ले ली, 2 साइन, और b की वैल्यू हमने क्या ली, पाई बाई 4 प्लस एक्स, करेक्ट। ये आपने a और b की वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे a एंड b को हमने डिफाइन कर दिया, तो a और b को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, एक पार्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा इसका, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ x लिया, तो y की वैल्यू जो होगी एक पार्टिकुलर सोल्यूशन, एक पार्टिकुलर फंक्शन phi 1 ऑफ x मिलेगा, क्लियर। तो इसको जो बोलेंगे, सो phi 1 x विल आल्सो अ सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये वैल्यू है तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा, कंटेन्स नो आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो y का सोल्यूशन है उसमें a और b ये कंटेन नहीं कर रहा, बट ओनली पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ पैरामीटर a एंड b, बट a एंड b का जो पार्टिकुलर वैल्यू था, जहां पे a इक्वल्स टू आपका क्या है 2 और b इक्वल्स टू आपका क्या है 4 है, तो ऐसे जो सोल्यूशन आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन, क्लियर है। This solution is called particular solution. अब यहाँ पे देखो y is equal to phi of x is called solution curve या integral curve of the given differential equation. इसे हम क्या बोलेंगे, y equal to fx जो आपका function है उसको हम बोलते हैं solution curve या फिर integral curve of the differential equation. ये सिर्फ theoretical आपका understanding के लिए सारे point हम discuss कर रहे हैं, question जब आप solve करोगे आप easily solve कर लोगे, तो आपको क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उससे आपको फैमिलियर होना बहुत ही जरूरी है, और साथ में उसके कंसेप्ट को भी आपको पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हम क्यों निकाल रहे हैं इस टाइप के सोल्यूशंस को, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका फाइनली जो कंक्लूड हुआ वो क्या कंक्लूड हुआ कि जनरल सोल्यूशन आपका कैसा सोल्यूशन होगा, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, द सोल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन या प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें जो हमने जो वैल्यू लिखा था वाई इक्वल्स टू ए साइन b प्लस एक्स, तो ये क्या है, ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर को कंटेन कर रहा, तो इस ये जो सोल्यूशन आपका y का होगा इसे हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन, क्लियर है। अब जो आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा, द सोल्यूशन फ्री फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्यूशन जो होगा वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट इज द सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन By giving particular value of the arbitrary constant is called your particle solution of the differential equation. तो उसको हम क्या बोलेंगे, particle solution of the differential equation, जहाँ पे हमने a और b की value क्या की थी, put कर दी थी आपके equation में a sin b plus x में, a की value हमने 2 लिया था और b की value हमने pi by 4 लिया था। तो इस केस में आपका कोई भी जो है arbitrary constant नहीं होगा particle solution में, that is free from your आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए सोल्यूशन निकल रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब आपका होमवर्क है, या फिर इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको गिवन फाइंड आउट करना है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 3x इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी फंक्शन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। सेम वे अगर आपका कोई इक्वेशन होता था और वहां पर एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करते थे और आप बोलते थे कि एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक्स की वो वैल्यू जो होती थी वो गिवन आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। तो सेम वे आपका क्या होगा, जो फंक्शन आपको गिवन है और अगर वो बोला जा रहा है कि वो फंक्शन जो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो फंक्शन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये जो फंक्शन गिवन है वाई इक्वल टू ई टू माइनस 3x, क्या ये इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। इसका क्या तरीका है कि y इक्वल टू माइनस 3x को पुट कर दो आपका इक्वेशन में, दैट बोथ साइड शुड बी इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आपने क्या किया, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर
अगर आपको इक्वेशन गिवन है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस 3x टू टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज योर इक्वल्स टू कितना होगा, फर्स्ट टाइम अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e टू द माइनस 3x, अगेन आपका क्या करना पड़ेगा, एंड साथ में माइनस 3 d बाई डी एक्स ऑफ क्या आपका e टू द माइनस 3x, पहला इक्वेशन अगर हम देखें, क्योंकि टू टाइम्स आपका डिफरेंशिएट करना है, प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन टाइम डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस 3x, क्लियर है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 6 और e टू द पावर ऑफ आपका क्या माइनस 3x, दैट शुड कम इक्वल टू 0, कभी चेक करते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस 3, और अगेन यहाँ से एक और भी डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे माइनस 3 और आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 9 ई टू द पावर ऑफ माइनस 3x, करेक्ट, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू योर माइनस योर 3 और यहाँ से आपका माइनस 6, यानी आपका वैल्यू माइनस 9 e टू द पावर ऑफ माइनस 3x, तो देखो ये दोनों ही आपका क्या हो गया, कैंसल आउट, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये जो है इसका क्या है आपका सोल्यूशन, ये फंक्शन जो है इस इक्वेशन का क्या है आपका सोल्यूशन है, क्लियर है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को कि गिवन फंक्शन जो है वो आपका सोल्यूशन है या नहीं है, ओके तो देखो मैं सबसे पहले तो ये आपका जो फर्स्ट सेक्शन था आपका जो सिलेबस में मैं मेंशन की थी कि ऑर्डर एंड योर ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले जो पहला इसमें टाइप ऑफ इक्वेशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, वो आपका है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा आपका, जिसका ऑर्डर भी आपका वन हो और डिग्री भी आपका वन हो, जैसे इस टाइप का इक्वेशन कंसिडर करो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू योर एनी वैल्यू क्यू वेर पी एंड क्यू आर द कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर आपका वन है और डिग्री भी आपका वन है, तो इस तरह से आपके इक्वेशंस के फॉर्म होंगे, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो लेकिन इसमें भी आपके डिफरेंट टाइप्स हैं कि इक्वेशन को हम वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, लीनियर फॉर्म में है या एग्जैक्ट फॉर्म में है, तो इस तरह से हम देखेंगे होमोजीनियस फॉर्म में है कि नहीं, तो हम उसके हिसाब से उसका क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले जो इसमें आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सके, इसका क्या मतलब होगा, अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फॉर्म, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कुछ इस तरह का फॉर्म में गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, वेर एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक फंक्शन है वेर एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ, इस एफ ऑफ एक्स वाई को हम एक्सप्रेस करते हैं जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई में, क्लियर, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी वेरिएबल सेपरेबल, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है दैट फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इंडिविजुअल फंक्शन, जहां पे जी ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ आपका क्या है दैट इज योर फंक्शन ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई जो है वो आपका है फंक्शन ऑफ वाई, तो इस टाइप का अगर फॉर्म हो डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे g ऑफ x इज योर फंक्शन ऑफ x और h ऑफ y इज योर फंक्शन ऑफ y, क्लियर, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, अगर आपने लिखा dy by dx इज इक्वल्स टू योर f x y, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी g ऑफ x और आपका h ऑफ y, तो यहां पे देखो dy by अगर आपने कर दिया h ऑफ y एंड दिस डी एक्स को आप इस तरफ ले आए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जी ऑफ एक्स इंटू आपका डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आपने क्या किया वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, मतलब टोटल जो वाई का फंक्शन है वो एक साइड विद द डी वाई और टोटल जो जी एक्स का फंक्शन है वो एक साइड विद डी एक्स, तो दिस इज कॉल्ड योर वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक्स एंड वाई जो आपका वेरिएबल था उसको हमने क्या किया सेपरेट कर दिया, क्लियर, तो अब यहाँ पे सोल्यूशन कैसे निकलेगा, अब ये आपका फॉर्म आ चुका है, अब दोनों साइड अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया दैट इज डी वाई ऑफ एच वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे एक फंक्शन मान लो एनी फंक्शन एच ऑफ वाई आएगा कैपिटल एच ऑफ वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये फंक्शन सिर्फ वाई का है तो वाई का आपका आउटपुट भी होगा एंड या कॉन्स्टेंट हो सकता है, सेम यहाँ पे जो फंक्शन आ जाएगा वो क्या आएगा जी ऑफ एक्स प्लस योर सी, सी क्या है एनी कॉन्स्टेंट सी है, जब जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आपके कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी आफ्टर द इंटीग्रेशन, तो ये आपका क्या आएगा उसका सोल्यूशन आ जाएगा आपका
वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर केस होगा तो ये उसका सोल्यूशन होगा. ओके तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. फाइंड द जनरल सोल्यूशन, आपको फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. इक्वेशन आपको ये गिवन है, क्लियर, इसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है. आपको इक्वेशन क्या गिवन है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज योर इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई योर टू माइनस वाई. तो देखो यहाँ पे ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ x है ऊपर वाला, और ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ y है, क्लियर. तो यहाँ पे हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे dy है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, dy फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू योर dx फंक्शन ऑफ x, क्लियर. तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. यानी इंटीग्रेशन ऑफ dy फंक्शन ऑफ f ऑफ y आपका क्या है 2 - y, करेक्ट. एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है आपका x प्लस वन इंटू आपका क्या डी ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेट किया इस फंक्शन को तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपको मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ टू क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस आपका इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई टू, करेक्ट. एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू, और इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो जाएगा आपका ओनली x एंड एक कॉन्स्टेंट आपका c. तो इस तरह से आपको क्या मिल गई, सोल्यूशन मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो यही आपको वैल्यू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2y माइनस y स्क्वायर बाई टू प्लस इक्वल टू x स्क्वायर बाई टू प्लस x प्लस c. तो फाइनली जब इसको सॉल्व कर रीअरेंज कर दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा. देखो यहाँ पे c और c डैश अब मैंने लिया, अगर मान लो कोई कॉन्स्टेंट c है इसके साथ 2, 3 कुछ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक और कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो c डैश उसको हम ले लेते हैं. इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इस तरह से कॉन्स्टेंट को क्या कर सकते हो, रिड्यूस करते जाओगे. 2c लिखने से अच्छा है कि एक और कॉन्स्टेंट हम क्या ले ले, c डैश की वैल्यू ले ले. तो इस तरह से हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 था ये. क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या गिवन है, dy by dx equals to 1 plus y square by 1 plus x square. तो अगेन देखो ये क्या वेरिएबल सेपरेबल है, दिस इज इक्वल टू योर फंक्शन ऑफ y डिवाइडेड बाई योर फंक्शन ऑफ x. तो अगेन हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx आपका डिवाइडेड बाई 1 बाई सॉरी dx मल्टीप्लाई विथ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है 10 इनवर्स y, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x. तो इस तरह से आपका सोल्यूशन आ जाएगा. तो इजिली जहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करना है आप सेपरेट कर लो, और दोनों साइड आपका सेम वेरिएबल को आप एक साइड रखो, dx का वेरिएबल है तो उसको dx के साथ रखो, dy का है तो आपका dy के साथ रखो, और दोनों को आप इंटीग्रेट कर लो और वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन. इससे पहले हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, कंप्लीट सोल्यूशन. अब क्या बोल रहा, फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये गिवन है, given that y equals to 1 when x equal to 0. तो यहाँ पे आपको क्या है एक initial condition given है, this is called your initial condition. मतलब आपको एक x and y का condition given है, तो इस case में हमें क्या मिलेगी, particular solution मिल जाएगी. और वो कैसे मिलेगी, जब आपका initial condition given होता है तो उस case में जो आपकी arbitrary constant होती है उसकी value को हम find out कर पाते हैं. तो उस case में जो हमें solution मिलता है उसे हम particular solution बोलते हैं. इनिशियल कंडीशन आपका यूज होता है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट. वो कैसे होता है इसको भी हम देखेंगे. आपको इक्वेशन गिवन है dy by dx equal to minus 4x y square. तो ये आपका इक्वेशन गिवन है. क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, डेफिनेटली ये वेरिएबल सेपरेबल है, fx fy के फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में. तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, dy डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर आपका क्या है एफ ऑफ वाई, तो इसको इस तरह ले सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 4 ऑफ x, माइनस 4 को आप इस तरफ भी लिख सकते हो और इस तरफ भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ से ये इक्वेशन फॉर्म हुआ. अब इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो ये 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1 बाई वाई, और माइनस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और एक कॉन्स्टेंट सी. तो आपको y की जो वैल्यू मिल गई फाइनली, y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, y इक्वल टू योर 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू योर 1 डिवाइडेड बाई 2 x square plus c, correct. तो ये जो आपको मिला that is your general solution. ये आपको क्या मिला that is equals to general solution. This is your general solution. अब देखो यहाँ पे particular solution आपको find out करना है, तो particular solution की value कितनी आप find out करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो condition given है initial condition उसको use करना है. y is equals to 1 and आपको क्या given है when x equal to 0.
जब x आपका जीरो हो, तो इस इक्वेशन में अगर आपने y इक्वल्स टू वन पुट किया, जब x इक्वल टू जीरो है, तो y और x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में नोन है तो c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. तो दिस y इज इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू योर आपका वैल्यू ऑफ x इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस वन. तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. अब यहाँ पे देखो, सो पार्टिकुलर सोल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपका निकलेगा कब, जब आप c की वैल्यू मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो. यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा, दैट इज इक्वल टू योर y इज इक्वल टू योर, दिस इज योर नेगेटिव साइन, क्लियर. तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे c की वैल्यू आपकी माइनस वन है, तो y की जो फाइनली वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वन डिवाइडेड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो क्या करना, स्टेप क्या था आप पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए, जो आप सिंपल जनरल सोल्यूशन निकालते हैं उसको निकाल लो. पहले तो आप जनरल सोल्यूशन निकाल लोगे, जनरल सोल्यूशन आप निकाल लोगे, उसके बाद सेकेंड क्या करोगे, जो आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है उससे आप क्या करोगे, फॉर फाइंडिंग योर कॉन्स्टेंट्स, यहां से कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और वहां पे क्या करना है, फाइनली आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू जनरल सोल्यूशन में पुट करना है. तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर है. ये थ्री स्टेप आपको याद रखना है. सबसे पहले जनरल सोल्यूशन निकाला हमने, फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हमने क्या किया, इनिशियल कंडीशन को पुट किया, और थर्ड हमारा क्या निकल गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकल गया, क्लियर. ओके, तो ये दो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दिस इज योर होमवर्क, आपको सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करना है इसको. और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे कि जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है. तो प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही हम लेते हैं. मान लो आपको गिवन है क्वेश्चन में, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर. प्रिंसिपल आपका कैसे इंक्रीज हो रहा, 5% पर ईयर से. इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में ₹1000 डबल इटसेल्फ, तो ₹1000 जो है अपने आप को डबल कर लेगा, क्लियर. तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि प्रिंसिपल कैसे इंक्रीज हो रहा, कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, मतलब टाइम के साथ प्रिंसिपल का क्या इंक्रीमेंट है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल आपका कितना है, दैट इज इक्वल टू 5% ऑफ p, प्रिंसिपल का 5% है. तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका, क्लियर. तो इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, dp / dt इज इक्वल टू 5% मींस 5/100 * p, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू p / 20 आ जाएगा. तो यहां से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया. अब आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी इयर्स, कितने साल में ₹1000 डबल इटसेल्फ हो जाएगा. तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी पूछ रहा है, जहां पे आपका प्रिंसिपल डबल हो जाए. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं. तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया. तो ये क्या आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल का केस, क्योंकि डीपी बाई डी टी तो आपका इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा. यानी डीपी ये आपका पी इस साइड एंड दिस इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई योर क्या 20, क्लियर है. तो ये आपको इंटीग्रेशन करना है. तो डीपी इंटीग्रेशन 1/p क्या होता है, एल एन पी होता है, और ये आपका डी टी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी डिवाइडेड बाई 20 और एनी कॉन्स्टेंट सी. तो इस तरह से आपको क्या मिल गई, एल एन पी की वैल्यू. तो यहाँ से आप पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो पी की वैल्यू आप लिख सकते हो ई टू द पावर ऑफ टी डिवाइड बाई 20 प्लस सी. तो यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर टी बाई 20 प्लस सी, क्लियर. ये आएगी पी की वैल्यू. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई टू द पावर टी बाई 20 इंटू ई टू द पावर सी. ई टू द पावर सी भी एक कॉन्स्टेंट है, क्लियर, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट. तो इस कॉन्स्टेंट के बदले हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्स्टेंट पुट कर सकते हैं. मान लो उसको हमने के ले लिया, और ये सिंपल हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं. आप चाहे तो उसको नहीं भी कंसिडर कर सकते हो, बट ये हमेशा फेवरेबल होता है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉन्स्टेंट को आप चेंज कर दो एक अलग कॉन्स्टेंट में. तो यहाँ पे हमने ई टू द सी को चेंज कर दिया एक कॉन्स्टेंट के में. तो यहाँ जो पी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ई टू द पावर सी को आपने के लिया है, तो के ई टू द पावर ऑफ टी बाई 20 मिल गया हमें प्रिंसिपल की वैल्यू. नाउ आपको क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन में जब टी इक्वल टू जीरो था तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी, 1000, क्लियर. तो अगर आपका t इक्वल टू जीरो पे प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 है, तो 1000 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, k t इक्वल टू जीरो. तो यहां से आप क्या करोगे, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, k आपका एक न्यू कॉन्स्टेंट है, ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट. तो k की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1000. तो इस k की वैल्यू को, कि जो p इक्वल टू k e टू द पावर t बाई 20 आया था, यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर सकते हो. तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 e टू द पावर t बाई 20. तो यहां से आपको प्रिंसिपल का वैल्यू मिल गया. अब देखो यहाँ पे
आपका यहां तक का जो कंडीशन था, ये आपका क्या था, ये था जनरल सोल्यूशन. क्लियर, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन. यहां पे जो हमने वैल्यू पुट किया, दैट इज योर इनिशियल कंडीशन. ये क्या था आपका, इनिशियल कंडीशन. अब आपको क्या करना है, एक पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पार्टिकुलर वैल्यू क्या फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आपको गिवन है एक कंडीशन कि वो टाइम फाइंड आउट करो जहां पे प्रिंसिपल आपका डबल हो जाए. तो प्रिंसिपल आपका 2000 हो जाए, इनिशियली अगर 1000 हमने अज्यूम किया तो ये 2000 हो जाएगा उसका डबल. तो यहां पे प्रिंसिपल इक्वल टू आपका 2000, इस इक्वेशन में अगर पुट करें, ये आपका 1000 और e टू द पावर ऑफ क्या होगा, e टू द पावर t बाय 20. वो टाइम आपको फाइंड आउट करना है जहां पे प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाए, 2000 हो जाए. तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, t आपको मिल जाएगी, देखो यहां पे कितनी मिल जाएगी, 20 log e बेस 2. तो ये कैसे आया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है आपका क्लास 10 12 का, इसको आप खुद कर सकते हो. इसमें तो कुछ भी आप कंसेप्ट नहीं रहा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सो यू कैन डू इट. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप कैसे एक इक्वेशन में ट्रांसफर करते हो, उसी को हम मॉडलिंग बोलते हैं. मतलब एक कंडीशन आपको गिवन है, उस कंडीशन को, एक एनवायरमेंटल कंडीशन हो, फिजिक्स का, किसी भी सब्जेक्ट से कंडीशन आपको गिवन हो, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको गिवन हो, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप कैसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हो, इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हो, आइदर इन लीनियर इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे ही हम बोलते हैं मॉडलिंग. तो दैट इज योर, दिस इज ऑल्सो अ मॉडलिंग. ये क्वेश्चन आपका क्या, अ टाइप ऑफ मॉडलिंग का क्वेश्चन है. ओके, तो नेक्स्ट देखो, सेकेंड टाइप. फर्स्ट टाइप हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल, और सेकेंड टाइप है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है उसको समझो, कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, और जो फंक्शन आपको होमोजीनियस होगा उससे जो इक्वेशन फॉर्म होगा उस इक्वेशन को ही हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ध्यान से समझो, इफ अगर आपको कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, करेक्ट. तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे, पहले तो होमोजीनियस बोलेंगे, और इस होमोजीनियस में भी एक डिग्री का कंसेप्ट होता है, और डिग्री कंसेप्ट क्या होता है उसे मैं डिस्कस करूंगी अभी. तो डिग्री ऑफ होमोजीनियस, डिग्री ऑफ एन बोलेंगे, अगर आपका इस फंक्शन में आपने एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट किया, और आपको जो फाइनली वैल्यू मिली वो लैम्डा टू द पावर ऑफ एन मिली ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहां पे जो आपका ये फंक्शन जो है, ये जो होगा आपका होमोजीनियस फंक्शन होगा, और इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, लैम्डा का जो पावर है दैट इज इक्वल टू एन डिग्री. जहां पे लैम्डा जो है एनी नॉन जीरो कांस्टेंट है. ये क्या है आपका, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट है. इसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देखो, कि एक फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू योर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई. तो ये क्या होमोजीनियस है, तो आपको अगेन क्या करना है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई पुट करना है. तो एफ ऑफ अगर लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स के बदले लैम्डा एक्स, वाई के बदले भी लैम्डा एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर आपको कॉमन ले सकते हो, मल्टीप्लाई होकर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. ये आपका फंक्शन, तो यहाँ से आप लैम्डा स्क्वायर इन दोनों इक्वेशन से कॉमन ले सकते हो, देखो यहाँ से इन दोनों टर्म से, तो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स आपका गिवन फंक्शन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टाइम्स आपका एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा. यही पे ये लिखी हूं मैं, कि आपका अगर लैम्डा टाइम्स आपने वैल्यू लिया एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा वाई को होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई. तो दिस एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई. सो दिस इज लैम्डा स्क्वायर, और वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स वाई वैल्यू है. तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई. इसका ये क्या है, होमोजीनियस है, और इसकी डिग्री कितनी है आपकी, टू इसकी डिग्री है. क्लियर, इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन नंबर टू देखो, तो एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालोगे तो यहाँ पे लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स ऑफ कॉस हो जाएगा, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, ये क्या जाएगा, कॉस ऑफ वाई ऑफ एक्स आ जाएगा. तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लैम्डा का पावर जो है वो जीरो है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा लैम्डा की पावर जीरो आपका एग्जिस्ट हो रहा ना यहाँ पे, क्योंकि इसका लैम्डा की पावर जीरो क्या हो जाएगा, लैम्डा का कॉन्स्टेंट है, उसका पावर जीरो करोगे तो ये वन हो जाएगा. मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी, जीरो, क्योंकि लैम्डा टू द पावर जीरो है, तो इसलिए इसकी डिग्री जो होगी, ये होमोजेनियस तो है पर डिग्री कौन सा होगा, डिग्री इज योर जीरो. क्लियर, तो इस फंक्शन से जो इक्वेशन आपका फॉर्म होगा दैट इक्वेशन इज कॉल्ड योर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है वो मैं आपको डिस्कस करूंगी. आपका एग्जाम्पल थ्री भी देख लो, अगर एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है साइन एक्स एंड कॉस वाई, तो क्या ये होमोजेनियस है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अगर आपने पुट किया तो क्या होगा, साइन ऑफ लैम्डा एक्स और कॉस ऑफ लैम्डा एक्स, सो दैट इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन.
किसी भी वैल्यू ऑफ एन के लिए इक्वल नहीं होगा, इसलिए दिस इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, तो ये आपका होमोजेनियस नहीं होगा। अब देखो, हेंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ ऑफ एक्स वाई, आपका एक और ये फॉर्म भी हो सकता है कि उस फंक्शन को हम आपका क्या करें, एक्स टू द पावर ऑफ एन जी वाई बाय एक्स कर ले, या फिर वाई टू द पावर एन एच ऑफ एक्स वाई करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी को हम यूज करने वाले हैं। ये तो जनरल हमने देखा कि होमोजेनियस फंक्शन का कंडीशन क्या है। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन जी ऑफ आपका वाई बाई एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी ऑफ वाई बाय एक्स, या फिर इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया कैसे, y टू द पावर ऑफ n h ऑफ एक्स वाई, क्लियर, h ऑफ एक्स वाई जी ऑफ वाई एक्स, तो इस केस में ये क्या होगा, होमोजीनियस ऑफ डिग्री n होगा, अगर कोई फंक्शन इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो, क्लियर। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अब जो हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आपका इज सेट टू बी होमोजीनियस, उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी फंक्शन आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, और ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है, क्लियर, बट उसकी डिग्री कितनी है, जीरो है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, आपका होमोजीनियस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजीनियस इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री योर जीरो, ऑफ डिग्री योर जीरो, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे, एक होमोजीनियस फंक्शन, और इससे जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको पहले आप समझो, इसके इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आपको ये स्टेप्स करने हैं, अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हो तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है इस इक्वेशन के लिए, सबसे पहले y को जो है एक अनदर वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे कि y इज इक्वल टू v इनटू x, v भी आपका एक वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि y को हमें क्या करना है, पुट सब्सटीट्यूट करना है वी एक्स, अब इसमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई dx में, अब इक्वेशन dy बाई dx में गिवन होगा तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे, तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx एंड दैट इज इक्वल टू v, और यहाँ पे dy by dx करोगे तो ये वन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल v बचेगा, और दूसरे में क्या करेंगे, x प्लस dv by dx, क्योंकि अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो d by dx करते हो u एंड v को, तो यहाँ पे अगर u और v फंक्शन ऑफ x है तो आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, u dv by dx यही होता है, प्लस आपका क्या होता है v du by dx, तो सेम कंसेप्ट हमने लगाया, तो यहाँ पे uv के बदले क्या है v into x, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा v d by dx of x, तो ये वन, और ये क्या हो जाएगा x dv by dx, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे dy by dx जो हो जाएगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो आपको इक्वेशन में गिवन है वहां पे आपको क्या करना है, पुट कर देना है dy by dx के जहां पे क्या v plus x into dv by dx, जो आपको इक्वेशन गिवन होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन वहां पे dy by dx के बदले आपको ये इक्वेशन पुट कर देना है dy dx equal to v plus x dv by dx, तो यहां से आप ये इक्वेशन को पुट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जहां y है वहां पे आपको क्या पुट कर देना, vx की वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन को आपको v और x मिलाना है, y को एलिमिनेट करना है, इसलिए dy by dx को के बदले ये पुट करोगे और y के बदले vx पुट करोगे, तो कंप्लीट इक्वेशन जो है आपका आ जाएगा v और x में, और v ऑफ x में जब इक्वेशन आ जाएगा तो वहां पे आप वेरिएबल सेपरेट कर पाओगे ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन, तो वहां से हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, जो प्रीवियस टाइप हम पढ़े थे वेरिएबल सेपरेशन में वहां जाके, और उसके बाद वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद आपकी वैल्यू मिल जाएगी, और जो आपको वैल्यू मिल जाएगी उसमें आपको फाइनली फिर क्या पुट कर देना है, y इक्वल टू आपका वी एक्स था, मतलब आपका v के बदले क्या पुट कर दोगे, y बाई एक्स पुट कर दोगे, तो यही आपको बोल रहा है, सेपरेट द वेरिएबल v एंड x, इंटीग्रेट बोथ साइड, वी विल गेट जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका रिप्लेस करना है v बाई y बाई एक्स, तो ये आपका स्टेप्स था। अब मैं क्वेश्चन करूंगी तो ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा, थ्योरी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए ये था, क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉल्व दिस इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले देखो कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, तो यहाँ पे देखो dy by अगर dx आपने लिया तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर टू एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू dy by dx,
करेक्ट, इसी क्वेश्चन को देखो तो ये फॉर्म आया, तो क्या ये आपका होमोजीनियस है? देख लो, अगर लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई करोगे तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स का स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई का स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई। तो यहाँ से ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू योर, ये फंक्शन हमने लिया एफ ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ दिस फंक्शन इज योर इक्वल्स टू, जो फाइनली आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, पर यहाँ पे हम लेते हैं एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। क्लियर? तो यहाँ पे इस फंक्शन को अगर सॉल्व किया तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपको ऊपर से और नीचे से भी, फाइनली जो फंक्शन आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आपका क्या हो जाएगा 2xy, एंड दैट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई। तो इस तरह से ये दिख रहा है कि होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो कि अब इसको हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, अब जो इंडिविजुअल टर्म्स होंगे आपके dy / x जो एक्सप्रेशन निकालोगे उसमें इंडिविजुअल टर्म्स में सारा की पावर जो है वो सेम होना चाहिए ऐड होने से, मतलब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, ये क्या है 1 और 1, ये भी क्या हो जाएगा पावर आपका 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो आपका क्या होगा, हमेशा होमोजीनियस होगा। मान लो कंसिडर करो आपका कुछ इस तरह का फॉर्म x3 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये भी आपका होमोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म 3 है तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो इस तरह का फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। और अभी स्टार्टिंग है तो आप चेक कर सकते हो उसको, और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अपना खुद ही शॉर्टकट मेथड आप देख लोगे कि आपको कैसे याद रखना है। क्लियर है? ओके, तो ये होमोजीनियस है, ये क्लियर हो चुका है। अब इसका हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो dy / dx की ये वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें क्या करना है इसमें सब्स्टिट्यूशन, पहला स्टेप क्या करना है, y इक्वल्स टू आपका vx पुट करना है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। तो जैसे ही आपने y इक्वल्स टू vx लिखा तो यहाँ से dy / dx की अगर जो वैल्यू आई थी हमें क्या मिली थी, v प्लस x dv / dx। देखो यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे y इक्वल्स टू vx अगर आपने पुट किया था तो dy / dx की वैल्यू क्या मिली थी, v प्लस x dv / dx। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू जो मिल जाएगी आपको dy / dx की v plus x dv / dx मिल जाएगा। अब ये dy / dx आपको गिवन है y square minus x square by 2x square, तो यहाँ पे dv / dx के बदले हम क्या पुट करेंगे, dy / dx के बदले हम क्या पुट करेंगे, सॉरी ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, v plus x dv / dx equal to आपका y square। अब y के बदले हमें क्या पुट करना है, y की वैल्यू हमने क्या लिया v of x, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमें y को एलिमिनेट करना है, तो y के बदले हमने पुट किया v square x square, और x को as it is रहने देना है, minus x square divided by 2x और y के बदले vx। तो यहाँ से x स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इस इक्वेशन से, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी v प्लस x dv / dx इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय योर 2v। तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगी v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2v, और ये एक्सप्रेशन आया। अब देखो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, पहले ये देख लो। तो यहाँ से x dv / dx अगर करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2v माइनस v हो जाएगा। मतलब देखो ये v का टोटल टर्म एक साथ आ गया और x का एक टर्म यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा कि x dv / dx इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर बाय 2v, ये आपको एक्सप्रेशन मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये dv से ये टर्म को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और dx डिवाइडेड बाय x कर देंगे, तो फाइनली हमारा v और x क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही टर्म किया, तो यहाँ पे क्या मिला आपका 2v, दिस इज योर dv, दिस फंक्शन यहाँ पे dv होगा, सो दिस इज इक्वल टू योर 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर इनटू dv इक्वल टू माइनस ऑफ dx डिवाइडेड बाय x। तो ये आपको मिल गया, यहाँ पे वेरिएबल आप टोटली सेपरेट कर चुके हो, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln 1 प्लस v स्क्वायर, जब कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे तो इस केस में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को भी डिस्कस करेंगे। फॉर अ टाइम बीइंग आपको वैसे पता भी होना चाहिए क्योंकि क्लास 10-12 का कंसेप्ट है, तो बीटेक का कंसेप्ट नहीं है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बट फिर भी जब मैं कैलकुलस डिस्कस करूंगी तो उस केस में कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे कि किसी भी फंक्शन इंटीग्रेशन का हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी अगर फंक्शन गिवन हो तो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ln 1 प्लस v स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस ln ऑफ x प्लस एनी कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पे ln 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ln, अब यहाँ पे देखो एक c एक कॉन्स्टेंट है, सारे टर्म्स ln में है, तो c को हम अपने हिसाब से एक टर्म ले सकते हैं, कैसे ln c1 लिख सकते हो, नो इशू, क्योंकि ये ln c1 भी एक कांस्टेंट ही होगा, लेकिन हमें इससे क्या हो जाएगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस ऑफ ln x प्लस ln cn ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln c1 डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, तो ln आपका कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय x, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये कंप्लीट इक्वेशन किस में आ गया, दैट इज इक्वल टू v और x में आ गया। अब यहाँ पे v के बदले आपको क्या पुट करना है, y इक्वल टू vx था, तो यहाँ पे v के बदले क्या पुट करोगे, y ऑफ x,
तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया v के बदले y by x that equal to c1 by x. तो finally जो आपको equation मिल गया वो क्या मिल गया, x y में मिल गया, that is x square plus y square equal to c1x. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब होमोजेनियस इक्वेशन हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने लिया y equals to vx, फिर इसको डिफरेंशिएट किया dy by dx, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, v plus your x dv by dx. इसको हमने पुट कर दिया dy by dx के बदले में, और वहां से हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट किया किसको, v और x को, और यहां से इसका जनरल सोल्यूशन हमें मिल गया. जनरल सोल्यूशन में फिर हमने क्या किया, पुट कर दिया आपका v का वैल्यू, दैट इज v इज इक्वल्स टू y by x. तो इस तरह से हमें सोल्यूशन मिल गया. अगर आपका इनिशियल कंडीशन गिवन होगा तो पार्टिकुलर सोल्यूशन में मिल जाएगा, क्योंकि उस केस में कॉन्स्टेंट c की आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में जो आप रिमेनिंग टाइप है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के दो और रिमेनिंग टाइप है, एक लीनियर और एग्जैक्ट है, उसको हम देखेंगे, और उसके बाद हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे. तो आज की क्लास को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं सारे क्वेश्चंस को, जो होमवर्क है उसको सॉल्व करना है, और थ्योरी को बार बार पढ़ना है. जब थ्योरी आप बार बार पढ़ोगे तो आपको थ्योरी माइंड में सेट होगा और इजिली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, कोई भी डाउट हो तो आप इसे पूछ सकते हो. तब तक के लिए बाय बाय.